हेलो क्रिकेट फैंस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पोर्ट्स टॉक, जहां आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटे बड़े न्यूज़ के बारे में, चाहे वो जुड़ा हुआ हो आईपीएल से या फिर वो जुड़ा हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज से या फिर हो वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस न कर पाएं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड न्यूज़ के साथ। सो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 स्टार्ट हो चुका है 17th of January 2020 को, और इंडिया अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, क्योंकि इंडिया ने ये टाइटल 4 बार जीता है। पहले 2000 में मोहम्मद कैफ के कप्तानी में, फिर 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में, फिर 2012 में उन्मुथचंद की कप्तानी में, और फिर 2018 में पृथ्वी शाव की कप्तानी में। तो इस बार इंडिया के कप्तान होंगे प्रियम गर्ग, और देखने वाला बात होगा कि क्या प्रियम गर्ग की कप्तानी में इंडिया अपना टाइटल डिफेंड कर पाता है या नहीं इस बार। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 17th of January को स्टार्ट हुआ था, लेकिन इंडिया का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का कैंपेन है वो आज 19th of January से स्टार्ट होने वाला है, जहां इंडिया अपना पहला मैच खेलेगा श्रीलंका के खिलाफ। तो इंडिया ग्रुप ए में है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जहां इंडिया के अलावा उस ग्रुप में श्रीलंका, जापान और न्यूजीलैंड है। इंडिया का पहला मैच आज है श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद सेकेंड मैच है 21st of January को जापान के खिलाफ, और थर्ड मैच है 24th of January को न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इंडिया इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के ये टाइटल डिफेंड कर पाता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई सीरीज से रिलेटेड कुछ न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज रहा है। अभी तक पहले 2 मैच हो चुके हैं। पहला मैच हुआ वैनखेड़े में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 10 विकेट से एक वन साइडेड मैच में हरा दिया। बिल्कुल ही एरॉन फिंच, डेविड वार्नर ने कमाल की बल्लेबाजी की और मैच को बिल्कुल ही वन साइडेड बना दिया, और 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीता। उसके बाद सेकेंड मैच हुआ राजकोट में, जहाँ पे इंडियन बैट्समैन ने फाइट बैक किया, चाहे वो केएल राहुल, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, सभी ने रन बनाए, जिसकी वजह से इंडिया ने 340 रन बोर्ड पे लगाए। और उसके बाद इंडियन बॉलर्स के शानदार बॉलिंग के वजह से इंडिया ने वो मैच 36 रनों से अपने नाम किया। सो इस सीरीज के पहले 2 मैचेस के बाद अब जो ये सीरीज है 1-1 से बराबरी पे खड़ी हुई है, और जो इस सीरीज का डिसाइडर है वो आज खेला जाएगा बेंगलोर में। जो भी टीम इस मैच को जीतेगा वो ना ही सिर्फ मैच जीतेगा बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। और जैसा कि हम सभी को पता है कि वैनखेड़े और राजकोट की तरह बेंगलोर भी एक बैटिंग विकेट है, और यहाँ पे भी बहुत रन बनते हैं। छोटा सा ग्राउंड है, बहुत सारे छक्के भी लगते हैं इस विकेट पे। तो देखना होगा कौन सी टीम जीतती है ये मैच। बहुत ही टफ कंपटीशन हो सकता है मेरे हिसाब से, और इंडियन टीम अगर सेकेंड बैटिंग करती है, चेस करती है, तो फिर इंडियन टीम के जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के हिसाब से कौन सी टीम ये ओडीआई सीरीज़ अपने नाम करने वाली है आज बेंगलोर में। सो बात कर लेते हैं हमारे फाइनल न्यूज़ के बारे में, जो कि रिलेटेड है आईपीएल से। जैसा कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आईपीएल से रिलेटेड जो एज फ्रॉडिंग है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और वहाँ पर बताया था कि एज फ्रॉडिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है केकेआर टीम के ऊपर। शिवम मावी, नीतीश राणा वहाँ पर सस्पेक्ट थे एज फ्रॉडिंग के केस में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो उस केस में जो है केकेआर के लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि वहाँ पे नीतीश राणा को अलाउ कर दिया गया है कि वो आईपीएल खेल सकते हैं। वो सस्पेक्ट नहीं पाए गए हैं एज फ्रॉडिंग के, तो नीतीश राणा आईपीएल में खेलते हुए ज़रूर दिखाई देंगे केकेआर की तरफ से। और उसके अलावा जो है प्रवीण तांबे, जिनको कि केकेआर ने आईपीएल ऑक्शंस में अपने टीम में शामिल किया था, वो केकेआर के लिए आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि प्रवीण तांबे ने जो है बीसीसीआई गाइडलाइंस को वायोलेट किया है। बीसीसीआई गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी प्लेयर जो कि इंडियन प्लेयर है, जो कि इंडियन डोमेस्टिक लीग्स में खेल रहा है या फिर इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, वो बाहर जाके कोई भी लीग में नहीं खेल सकता। और जिसकी वजह से प्रवीण तांबे बाहर जाके उन्होंने T10 लीग खेला था, और इसीलिए बीसीसीआई ने उनको आईपीएल से बैन कर दिया है। तो प्रवीण तांबे अब एज अ प्लेयर नहीं खेल सकते केकेआर के लिए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि केकेआर टीम ने प्रवीण तांबे को एज अ स्पिन बॉलिंग कोच अपॉइंट कर लिया है अपनी टीम में। और ये केकेआर टीम के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रवीण तांबे बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं और केकेआर के पास भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं।
प्रवीण तांबे कोचिंग में जिनका परफॉर्मेंस और भी बेटर हो सकता है। आप लोग का क्या मानना है इस बारे में आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर पाए।